रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बात करेंगे जिन्नात के बारे में। अगर हम इताअत ना करें जिन्नात हमारे रूम में लड़ाई डला देते हैं। वॉशरूम हमारे रूम के साथ होता है, जिन्नात वॉशरूम में रहते हैं, इसलिए हमें चाहिए हर टाइम दुआ पढ़े। जब भी वॉशरूम जाए तो दुआ पढ़े। हमारे नबी के दौर में वॉशरूम घरों से बाहर होते थे तो लोगों में लड़ाइयाँ भी कम होती थी। फिर लोगों ने रूम के अंदर वॉशरूम ला दी। अब जिन्नात हमारे रूम में आ गए हैं, अब लड़ाइयाँ आम हो गई। क्योंकि जिन आग से बना है वो हर टाइम शरारते करते रहते हैं। हमें चाहिए है कि हम लोग 5 वक्त की नमाज करें और वॉशरूम जाते वक्त लाजमी दुआ पढ़ें। किधर गाय तो मैं आपको वॉशरूम की दुआ सुनाती हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ुबिका मिनल ख़ुबूज़ी वल ख़बाइस। आपको इसका तर्जुमा भी बताती हूँ। अल्लाह गंदे जिन्नों से तेरी तरह मांगता हूँ। अल्लाह गंदे जिन्नों से, गंदी जिन्नियों से तेरी तरह मांगता हूँ। जब आप ये दुआ पढ़ते हैं जिन भाग जाते हैं। लाजमी दुआ पढ़ें, अपने बच्चों को भी सिखाएं। आना गाइस स्टोरी बुक पढ़ रही है। वरना आना वीडियो शूट करती है। खतीजा भी पढ़ रही है, इसकी तरफ देखें क्या कर रही है। हमारी एक छोटी बहन अभी है, उसका नाम रामी है, वो सो गई है। हम आपको रामी के शरारते भी दिखाएंगे। हम उसके साथ बहुत खेलते हैं, उस एंजॉय करते हैं।